अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं इंडिया से बात कर रही हूँ। जी जी मौलाना, मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ कि यहाँ पर हम लोग इज्तिमा करते हैं, तो तबलीगी जमात जो है, तो जब हम इज्तिमा के लिए जाते हैं, तो जैसा कि एतिकाफ के बारे में है कि सऊदी में ये बोलते हैं कि घर में एतिकाफ नहीं करना है, मस्जिद में ही होगा एतिकाफ। और दूसरी बात क्या है, जब शबे बारात का टाइम आता है तो शबे एक बार एक करके सवाल करें ताकि ऐसा ना हो कि मैं फिर अगला सवाल भूल जाऊं। आपका सवाल बिल्कुल ये है कि आप कोई इज्तिमा करती हैं और जी। सऊदिया में कहते हैं कि घर में इतिकाफ नहीं होता, ये आपको किसने कह दिया है? सऊदिया में नहीं कहते, ये कुरान करीम ने कहा है, जो सऊदिया का नहीं, कुरान करीम पूरी उम्मत इस्लामिया के लिए है, बल्कि सारे ही लोगों के लिए है। जी कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि इतिकाफ जो है उसके इतिकाफ के साथ मस्जिद का जिक्र मौजूद है, वला जी तुबाशिरूहुन्ना वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, अपनी बीवियों से मुबाशरत ना करो जबकि तुम मस्जिद में इतिकाफ की हालत में हो। एतिकाफ और मस्जिद दोनों लाजिम मलजूम इकट्ठे आ रहे हैं, लिहाजा ये जो आपने लफ्ज कहा है ये गलत प्रोपेगेंडे के जेर असर आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। ऐसा सऊदीया में नहीं, पाकिस्तान में सॉरी बेशुमार लोग आपको मिलेंगे, इंडिया में बेशुमार मिलेंगे, दूसरे मुल्कों में मिलेंगे जो ये कहते हैं कि एतिकाफ मस्जिद में होता है। जी। हाँ ये है कि मैं भी वही, मैं कुछ साल पहले करती थी, बट मैं भी छोड़ दी कि घर पे मैं भी नहीं करती हूँ एतिकाफ। और क्या है, हम लोग शबे बारात भी नहीं मनाते, तो यही बोलते कि आप कौन सी जमात की शबे है। चलिए शबे बरात के सिलसिले में भी सुन लें कि शबे बरात मनाना इसके मुख्तलिफ अंदाज हैं, और मुख्तलिफ अंदाजों में से एक है पटाखे छोड़ना, जो कि इंतहाई हमाकत है, पैसा जाया करने वाली बात, उसको तो दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं, बल्कि वो ऐसे लोगों से ताल्लुक रखने वाला अमल है जो कि इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे, लिहाजा जी वो तो छोड़ दें। कुछ हैं जी वो तो घरों की, उस दिन थोड़ा सा सुन ले मुझसे, जो शबे बरात की बात आपने की है ना, जी जी जो जी मनाते हैं शबे बरात को घर में सफाई करते हैं और कहते हैं कि रूहें आती हैं, जो कि बिल्कुल ला यानी किस्म की बात है कि रूहें आती हैं मरे हुए लोगों की शबे बरात की रात। कुछ लोग हैं वो हलवा पकाते हैं और हलवा खाते हैं, और जब उनसे पूछा जाए कि ये हलवा स्पेशल इस दिन का क्या माना रखता है, तो कहेंगे जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलवा पकाया गया था और आपने खाया था। अब ये बात इतनी कम इल्मी पर मबनी है, लोगों को धोखा देने के लिए लोग क्या क्या दलीलें बना लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए ठीक है, लेकिन कब हुए? गजवा उहद के मौका पर, और गजवा उहद कब हुआ सारी दुनिया जानती है कि वो जाके शवाल में हुआ, तो ये 2 महीने पहले ही हलवा खाना शुरू कर देते हैं, ये कहाँ की दलील? अब जी शबरात से आगे बोलिए, क्या बात कहना चाहते हैं? जी हाँ तो तब मैं, मतलब मैं सऊदी से एक कुरानी शरीफ लेकर आई थी, उसमें तफसीर थी, सब ये चीज पढ़ के मैं फॉलो करना शुरू करी, तो सब ये बोलना शुरू करे कि आप दूसरे एक इमाम को फॉलो करिए, नहीं तो आपको इतना बड़ा गुनाह होगा कि ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो ये मैं यही आपकी आपकी जो मजलिस है ना, जी आपकी जो मजलिस है या जिस इज्तिमा का आप जिक्र कर रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको, जो मुझे महसूस हो रहा है, सीधा रास्ता दे दिया है। ये जो आपने शबरात छोड़ी और ये छोड़ा वो छोड़ा और तफसीर जो आपके हाथ में है वो पढ़ रही हैं, आप उस जी पर अमल करें, उसको पढ़ें, बकसरत पढ़ें, बार बार पढ़ें, और जो वक्त आप वहां जाके कहानियां सुनने में लगाती हैं ना, उस वक्त जी को बचा के इस तफसीर को पढ़ने में सर्फ करें। इंशाल्लाह आपके लिए ये बायस बरकत साबित होगा, क्योंकि वो तफसीर जो सऊदी अरब ने आपको दी है हमारे पास भी है, हम उससे दर्स भी देते हैं, उसे पढ़ते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुख्तसर तफसीरों में से बेहतरीन तफसीर वो शुमार होती है, उसका नाम अहसनुल बयान है। वो जी पाकिस्तान का, सऊदी अरब का, बल्कि दुनिया भर में ब्रांचे मौजूद हैं, दारुस्सलाम वो इदारा भी छापता है और गवर्नमेंट भी छाप रही है, सिर्फ बाहर का कुछ डिजाइन अलग है, अंदर सारी तफसीर एक है, जी बेहतरीन मैं तफसीर है, वो आप पढ़ा करें और अपना वक्त बचाएं,
इनमें इज्तिमाआत में जहां आप जाती हैं या खुरूज कहते हैं या क्या नाम लेते हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। जी मैं ये आखिरी एक सवाल है कि मैं यही कंफ्यूज हूँ कि मैं आलिम कोर्स आलिम करना चाह रही थी, तो अब मेरा ये है कि यहाँ पर जितने भी मैं जितने भी सबके साथ रहती हूँ ना, जहाँ पर हमारे पास पूरे वही इज्तेमाल होते 6 नंबर हुए, तो अब मैं जितने भी लोगों को देख के सही बात बोलना चाह रही हूँ लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तकरीबन बहुत सारे हैं, तो हम आपको ये बोलते कि आप अहले। मैं बात समझ रहा हूँ, आपकी बात समझ रहा हूँ। कभी ऐसा होता है कि आदमी को अकेले ही, अगर आदमी सही हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस अकेले को उम्मत शुमार करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आप कुरान पढ़ के देखें, अकेले को फरमाया काना उम्मा, कि वो उम्मत थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे, उम्मत थे। आपको दाएं बाएं कोई नहीं दूसरा मिल रहा, सिर्फ वही मिलते हैं जो आपको शिबरात मनाने का और आपको ये करने का वो करने का कहते हैं, उनको आप छोड़ते जाएं और अपना अपना एक अलग माहौल बनाएं। आप दाएं बाएं से अपने ख्यालात के लोगों को मिलें, उनको मिलाएं, उनसे मिलें, उनके साथ रابطे रखें, इंशाल्लाह ताला इसी में खैर बरकत होगी, ताकि आपका बहुत सारा वक्त जो है वो कहानियों से बच के सही कुरान करीम की तालीमात और बुखारी और मुस्लिम वगैरह जो किताबें हैं, खास तौर पर बुखारी जी मुस्लिम छह का एक्सेप्ट किताबें भी आपने, ये आप अपने पास रख लें। जी बुखारी और मुस्लिम दोनों में कोई ज़ईफ हदीस नहीं है, ये तफसीर मुख्तसर और ये बुखारी मुस्लिम अगर आपके पास होती है, आपको इंशाल्लाह किसी इस इज्तिमा में जिसका नाम आप बता रही हैं गालिबन तबलीगी जमात का इज्तिमा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जी जाएं तो सिर्फ उसके पास जाएं जो सिर्फ कुरान सुन्नत की बात करे, किस्से कहानियां और ये वो, उनको छोड़ें। अल्लाह ताला आपकी हमारी मदद फरमाए और हमें राहे आमीन। सिराते मुस्तकीम पर रखे। एक गुजारिश है कि आप सबके लिए खास दुआ करें कि एक जन्नती जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हम सबको उसमें शुमार करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आपको सब जितने भी अहले तौहीद हैं, जितने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदनियत को मानने वाले हैं, अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला आमीन आमीन। मकाम। जजाक अल्लाहु खैर कसीर। आइए।